नमस्कार। बिहार पर विचार की श्रृंखला में आज रोजगार बिहार में जो गरीबी की हालत है, जो भुखमरी जैसी हो गई है पिछले 6-8 महीने में, इससे कैसे उबरा जाए, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। आप जो भी हम बोल रहे हैं विचार की श्रृंखला में, इसको आप मैनिफेस्टो भी मान सकते हैं कि हमारा घोषणा पत्र भी है, जो चुनाव में हम उन लोगों का समर्थन करेंगे जो इस घोषणा पत्र को माने। हमने कोई पार्टी नहीं बनाई है, लेकिन जो भी निर्दलीय और छोटी पार्टियां इस घोषणा के हिसाब से आगे चलेंगे उनका समर्थन करेंगे, और अगर बड़ी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां और प्रादेशिक पार्टियां भी इन मुद्दों को लेती हैं तो हम उनका धन्यवाद करेंगे और मैदान में नहीं आएंगे। तो रोजगार और भुखमरी की हालत से उबरने के लिए पिछले जो भी 17 वर्षों में हमने देश के प्रयोग देखे कि जहां बेरोजगारी है तो लोग कहते हैं यहां पे औद्योगीकरण नहीं है, कारखाने नहीं है, इसलिए बेरोजगारी है। और फिर एक कारखाना लग जाता है 2-3 हजार करोड़ का, और पता लगता है कि बाढ़ जैसे, कहलगांव जैसे, पतरातू जैसे पावर प्लांट मुश्किल से 10-12 हजार लोगों को रोजगार देते हैं, बाकी सब वैसे ही। फिर आप एक आटा चक्की ले आते हैं रोजगार के नाम पे, मैदा मिल, रोजगार कारखानों से कम होते हैं। इस देश में 1940 के दशक में विदेशी वस्त्रों की होली जली थी, जो क्लॉथ मैनचेस्टर से आते थे उनकी होली जली, चरखे का चलन शुरू हुआ। लेकिन आज स्थिति यह है कि कोल्हापुर के इच्छल करंजी को इंडियन मैनचेस्टर कहते हैं, वहाँ हर घर में पावर लूम लगे हैं, चरखा एक तरह से अप्रयोगी जैसा हो गया है, है तो है खिलौने जैसा, या प्रदर्शनी में रखना, वर्धा में रखा हुआ है, गांधी आश्रम में रखा हुआ है, 2 अक्टूबर को चला दो, इससे ज़्यादा उसकी उपयोगिता रह नहीं गई। जब पूछा गया उस समय कि आप अगर चरखे का चलन बढ़ाना चाहते हैं तो विदेशी वस्त्रों की होली रखो, जल गई। लेकिन जब मुंबई में मिले लगी तो स्वदेशी के नाम पे आपने इसको आने दिया कि नहीं, देश में लग रही स्वदेशी। तो ये दोहरे मापदंड से रोजगार नहीं आता है, मशीनीकरण बंद नहीं होती। इंग्लैंड में 2 साल पहले एक नया मंत्रालय बना जो लोग अकेलेपन की समस्या से ग्रसित हैं, और ऐसे वहाँ आधिकारिक रूप से 10% लोग, मतलब 90 लाख लोग आधिकारिक रूप से परेशान हैं। उनके पास खाने को पैसा है लेकिन काम करने को नहीं है, कोई बात करने को नहीं है, क्योंकि मशीनों की अधिकता इतनी हो गई है। भारत में हमारे पास बुजुर्गों के पास बात करने को भी नहीं है और काम भी नहीं और पैसा भी नहीं है। तब हमें मशीनों और मानव के कार्य में तालमेल बिठाना होगा, कुछ मशीनें बंद करनी ही होंगी, रोजगार भी तब आएगा और लोगों का सेहत भी ठीक होगा। तो जितना हम चर्चा में लाए लोगों से किए, एक चीज है कि अगर हम आटा चक्की बिजली से चलने वाली यह हम बंद करते हैं, मैदा मिलों का आटा बिकना बंद करते हैं, तो बिहार में आज जो 12 करोड़ जनता है, जो खाने को लेके उसका पद्धति है कि दिन में 2 बार रोटी खाता है, 1 बार चावल, और करीब करीब शहरों वाले 250 ग्राम गेहूं खा लेते हैं और गांव वाले 500 ग्राम खा लेते हैं। अगर हम इसको एवरेज माने तो प्रतिदिन 3 करोड़ से 4 करोड़ किलो गेहूं खर्च होता है। अगर हम इसको मैनुअल कोई आदमी पीसे तो आराम से 10 किलो और थोड़ी मेहनत करे तो 20 किलो पीस सकता है। तब ऐसे में
15 लाख से 30 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। इस रोजगार में पैसे, अगर आज हम आटा बिक्री को देखें और गेहूं की बिक्री को देखें, तो मैदा मिल 1 किलो आटे पे करीब करीब 12 रुपये और जो अच्छा आटा है उस पे 20 रुपये तक कमाती हैं। तब अगर हम जो हाथ की चक्की है उसमें 10 रुपये फिक्स करें तो एक व्यक्ति आराम से 100 रुपये से 150 रुपये कमा सकता है। जो पूरे बिहार में आज 19,000 प्रति व्यक्ति आय सालाना है, 30,000 तो आराम से हो जाएगी। इसको सख्ती से बंद करना होगा। ऐसा नहीं कि गाय भी हाँ, बकरी भी हाँ, बैल भी हाँ, भैंस भी हाँ, तू अपनी चक्की भी लगाए रहे और हाथ से पीसने वाला, वो नहीं होता। साइकिल रिक्शा कभी भी ऑटो रिक्शा की बराबरी नहीं कर सकता। तो हम आपके सम्मुख ये कह रहे हैं कि हम इस चुनाव में लोगों का समर्थन करेंगे और प्रयास हमारे अभी से रहेंगे कि प्रदेश में जो बिजली से चलने वाली चक्कियां बंद हों, मैदा मिलों का आटा बिकना बंद हो, चाहे दूसरे प्रदेशों से भी ना आए, तब हाथ की चक्की का आटा बिक सकता है और तभी उनको पैसे मिल सकते हैं। तो सवाल 15 लाख लोगों के रोजगार का है, जो अगर ज्यादा आटा खाते हैं तो 20 लाख तक पहुंच सकता है। सवाल लोगों का स्वास्थ्य का भी है कि मैदा खाते खाते पेट खराब हो जाता है और हाथ का पैसा खाएंगे तो जाहिर है कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो जो दूसरे खर्चे होते हैं वो कम होंगे, लोग स्वस्थ होंगे। तो मेरे पूरे प्रयास रहेंगे कि मसाला, दालें, गेहूं, चावल, इसकी जो चक्कियां हैं जो मार्केट में कमर्शियल लगी हैं और घरों में जिसने पर्सल लगा रखी हैं, वो सब बंद हों। मिक्सी चलते रहने देना चाहूँगा, लेकिन ग्राइंडर जो है उसको बंद करने की ज़रूरत है, क्योंकि महिलाओं को दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो मिक्सी बंद होगी तो ब्लेंडर मिक्सी चल सकती है लस्सी अस्सी बनाने की। आगे चल के चरखा, सिलवट्टा, खलवट्टा, इनके प्रयोग भी जनमानस के सहमति से, सहयोग से, संवाद करने के बाद किए जा सकते हैं। और जो चक्कियां बंद होंगी उनको कुछ लोन दिया जा सकता है, जिससे वो हाथ की चक्की का आटा पीसने वालों को रोजगार दें, उनका आटा बिकें। कहते हैं अगर जब काम करना है तो प्राथमिक काम जितने हैं उनको शरीर से करना चाहिए, प्राइमरी वर्क फिजिकल, जो द्वितीयक काम है उसको थोड़ा मशीन थोड़ा शरीर से, सेकेंडरी सेमी इलेक्ट्रिकल सेमी टेक्निकल, और जो तृतीयक है उसको टेक्नोलॉजिकल, और जो फोर्थ टाइप के कर्म हैं उनको फुली ऑटोमेटिक करने चाहिए। तो पिसाई हाथ से, लेकिन पैकिंग के लिए आप मशीन लगा सकते हो जिससे आटा खराब ना हो, वो मशीनों का। तो जितने काम हैं वह हम इस घड़ी से ये आप सबको कहना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में बिहार से शुरू करके पूरे भारत और हो सकता है कि वैश्विक स्तर पर भी जो खालीपन के समस्या से ग्रसित हैं वो इस समस्या के समाधान को अपनाएं। तो जितना प्राथमिक कार्य है वो हाथ से हो, पैरों से हो, दिमाग से, और दूसरे लोड कम हो, बिजली का कम हो, उस पर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हमें सहयोग दोगे तो हम बाकी में चक्कियां बंद करेंगे बिहार में और मैदा मिलों का आटा बिकना बंद करेंगे। उनकी भरपाई के दूसरे तरीके हैं जो किए जा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू।